का न्यू ब्लॉग। आप सभी ठीक होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। सो गाइस अभी बजी हुई है सुबह की 7:30 और अभी हम सभी उठकर नहा धोकर रेडी हो चुके हैं और भाई अभी यहाँ पर पहन रहे कपड़े नहाने के बाद। और आज हमारे घर में यह कथा शाम को सत्यनारायण जी की कथा है और अभी भी हमारी कथा है, सुबह भी मम्मा ने अपने व्रत रखे थे तो उसके लिए हम कथा करवा रहे, तो उसकी तैयारियां हो चुकी है शुरू। तो चलो करते हैं कथा की तैयारियां। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चौकी लगानी है और इधर सारा चादर वदर गद्दे वद्दे बिछा के तैयार करना है, तो सबसे पहले हम इसी काम को करते हैं। और अभी दादाजी यहाँ पर बना रहे हैं घुघुत। संगरात में हमारे नैनीताल साइड के रहने वाले हैं हम, तो वहाँ पे इस तरीके से घुघुत बनाते हैं। ये किस चीज से बनते हैं? इसमें आटा डालते हैं, गुड़ डालते हैं, सौंफ डालते हैं और फिर इनको तेल में तलते हैं सुखाने के बाद, घी में या तेल में। कानू, हैप्पी संक्रांत। और अभी बाहर का व्यू कुछ इस टाइप का है और सभी ने गले में संक्रांत बना ली है। हमने भी वहां पे बनाई थी। मनु गीता बैठे हुए हैं। पूर्वासा श्री दीप नारायण गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमो नमोऽहम्। और अभी हमारी कथा कंप्लीट हो चुकी है, पूरी कथा हमारी हो चुकी है और एक सत्यनारायण की कथा अभी होनी बाकी है जो शाम को 4:30 बजे से स्टार्ट होगी। सो गाइस अभी पापा जी बना रहे हैं यहाँ पर सब्जी छोले और पनीर की और दादी जी गूंध रहे हैं आटा और यहाँ पर एक मिक्स सब्जी भी बनकर रेडी हो चुकी है। नानी जी बैठे हुए वहां पे और नानी जी ने अभी धनिया काट के रखा है। येरा क्या खा रहा है गाना? तू खाने भी लग गया अभी से। सर्वे देवेभ्यो नमः, सर्वे ब्राह्मणेभ्यो सत्यपुरुषे सविता श्री मन महानंदना निप्तेन्वा चतुस्रभावाय देवताभ्यो श्री शत्रुघ्न देवाय नमो नमः। फूल पकड़ के ओम शुमकाजी गणगा लंबो देश विघटा विनाशो विनायक दोमरे तव विघट तश निजाय ते शुकला मर्दम देव सचिपाणम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम जाये सर्वगुरु प्रसाद अभिषदार तपूज सहस्रास देवा।
सो गाइज अभी हम खा रहे हैं खाना और खाने में हमारे पास है पूरी, चावल, सब्जी और छोले पनीर की सब्जी, दही है साथ में। तो पहले खाते हैं खाना। सो गाइज अभी हमारा रात का डिनर भी कंप्लीट हो चुका है और घर में जो कीर्तन वगैरह सत्संग हो रहे थे हमारे वो भी कंप्लीट हो गए हैं और हमारे रिलेटिव्स भी सारे अपने अपने घर जा चुके हैं और अब भी हम सोने की तैयारी में हैं और भाई तो कपड़े चेंज करके सो भी गया, मतलब चादर खोल के अब बिल्कुल सोने की तैयारी में बिल्कुल तैयार हो चुका है और अभी हमारा थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को क्लिक करके जाना जाने से पहले, ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी आती रहे। और हमारे चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहना, ऐसे प्यार देते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, कल मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।